या जो अभी बेस्ट रूट फाइंड करता है, बट या फिर सेकंड बेस्ट रूट फाइंड करता है. तो हम सेकंड बेस्ट रूट के लिए फाइट करने जा रहे हैं. सेकंड बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं. सेकंड बेस्ट रूट सीखने के लिए आपको मेरे साथ दो वर्ड सीखना होगा. फर्स्ट इज एफ डी. उससे पहले आपको दो वर्ड सीखना है, एस सक्सेसर एंड फीजिबल सक्सेसर. क्या मैंने बोला? सक्सेसर और फीजिबल. जो बेस्ट रूट होता है ना उसे बोलते हैं सक्सेसर. क्या बोलते हैं? सक्सेसर. लेकिन जो सेकंड बेस्ट रूट बनता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? फीजिबल सक्सेसर. याद रखना, आपसे बोले फीजिबल सक्सेसर इसका मतलब आपसे वो सेकंड बेस्ट रूट की बात कर रहे हैं. तो एक्चुअली हम फाइट किसके लिए करने जा रहे हैं? फीजिबल सक्सेसर, राइट ना? फीजिबल सक्सेसर के लिए. देखो बुक्स में ये सब वर्ड आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना. मैं सेकंड बेस्ट रूट बोल रहा हूँ, बुक में एफ एस लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना. ब्रैकेट में कहीं सेकंड बेस्ट रूट लिखा होगा लेकिन एफ एस एफ एस हर जगह लिखेगा. फीजिबल सक्सेसर. सो आपको अगर फीजिबल सक्सेसर के लिए अगर फाइट करना है मेरे साथ बैठ के, तो आपको दो वर्ड सीखना है मेरे साथ. क्या क्या? एफ डी एंड ए डी. एफ डी का मतलब होता है फीजिबल डिस्टेंस. क्या बोलते हैं इसको? फीजिबल डिस्टेंस. और ए डी का मतलब होता है एडवर्टाइज डिस्टेंस. अब एफ डी ए डी क्या? तो मैंने कहा फीजिबल सक्सेस सीखने के लिए आपको दो वर्ड सीखने होंगे. क्या क्या? एफ डी एंड ए डी. अब एफ डी आपका क्या है? एफ डी इज अ फीजिबल डिस्टेंस, ए डी इज अ एडवर्टाइज डिस्टेंस. ठीक है. अब ये एफ डी ए डी क्या है? एफ डी ए डी क्या है? चलो ठीक है, सेकंड बेस्ट रूट के लिए बात कर लेंगे. एफ डी ए डी है क्या? तो देखो मैं आपको एफ डी ए डी सिखाता हूँ. यहाँ पे आपका सोर्स है और यहाँ आपका डेस्टिनेशन. देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एडी की. किसकी? एडी. एडवर्टाइज डिस्टेंस. देखिए एडी का यहाँ सोर्स है, यहाँ डेस्टिनेशन. देखिए एडी होती है क्या? आप मुझे बताएंगे आर वन का नेबर कौन है? नेबर पता है? कैसे पता करते हैं? डायरेक्टली. सो एडी होती है नेबर टू डेस्टिनेशन. क्या मैंने बोला? नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट इक्वल टू एडी. क्या बोलते हैं इसको? एडी. और वो है कितना? वेट. एज्यूम कर लेते हैं इनके इनके बीच की कॉस्ट बैंडविड्थ और डिले मिला के एज्यूम कर लेते हैं है 25. इनके इनके बीच की कॉस्ट है 35. इनके इनके बीच की कॉस्ट है 45 और यहाँ है 60. सो एडी मैंने क्या बोला? नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट. सो 35 45 कितना हो जाएगा? 80 और 140 हो जाएगा. नेबर टू डेस्टिनेशन मैंने बोला हुआ. कितना हो जाएगा? 140. बट एफ डी आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट. इट्स मीन सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट. क्या कहते हैं इसको? एफ डी. और एफ डी कितनी है? 165. निकालना आ गया एफ डी ए डी. ए डी कैसे निकालते हैं? यस, जहाँ से आप जाना चाह रहे हैं वहाँ उसके नेबर से डेस्टिनेशन की टोटल कॉस्ट क्या कहलाती है? ए डी. और एफ डी कॉपी में लिखिए फटक से. अगर आपको एफ डी ए डी निकालना आ गया तो आप मेरी एक हेल्प करेंगे सब.
देखिए जरा R1 और R2 के बीच में, मैं देखो इधर R1 और R2 के बीच में मैं कुछ कॉस्ट ले रहा हूँ 2000, कितना इसके इसके बीच की कॉस्ट मैं ले रहा हूँ 1500, R2 एंड R3 के बीच की कॉस्ट मैं ले रहा हूँ 2500 और ये ले रहा हूँ 1500, इसके बीच की कॉस्ट 3000, 4000 एंड 5000। ध्यान रखिए कॉस्ट ऐसे दिखती नहीं है, कॉस्ट कॉस्ट बहुत बहुत लंबी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं ऐसे बस एज्यूम करके चलता हूँ, छोटा छोटा नंबर। ओके ना, सो अब मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ, इस चार्ट में जिससे मैं पूछूंगा वही मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है ना, बता दे रहा हूँ। फर्स्ट रूट, इस सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए पहला रूट मैं लिख रहा हूँ R1, R2, R6, राइट। दूसरा R1, R3, R6, R1, R4, R5, R6, ओके ना। ऊपर मैं लिख रहा हूँ FD एंड लिख रहा हूँ मैं AD। सो मेरी हेल्प करेंगे यू R1, R2, R6। इसमें इस रूट पे, इस रूट पे AD वैल्यू कितनी है? 1500। सुपर गुड। वर्षा, उस रूट पे AD वैल्यू कितनी है, FD वैल्यू कितनी है? 3500। राइट, इस रूट पे, इस रूट पे एडी वैल्यू कितनी है? 1500। राइट, और एफडी वैल्यू 4000। इस रूट पे 12000। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए एडी को। तो ये तो सोर्स से डेस्टिनेशन की टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट है। तो इन तीनों में से सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? 3500। सबसे लीस्ट कॉस्ट 3500, राइट। तो ये एक्ट करेगा एज अ बेस्ट रूट, क्या एक्ट करेगा एज अ बेस्ट रूट। बट मैं यहाँ बेस्ट रूट के लिए फाइट तो करने आया नहीं, मैं किसके लिए आया हूँ? ठीक है, तो आपके हिसाब से अगर ये बेस्ट रूट डाउन हो जाए तो अगला बेस्ट रूट कौन बनेगा? आपके हिसाब से यही होना चाहिए ना, क्योंकि सर उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है उससे, राइट। बट सेकंड बेस्ट रूट के लिए EIGRP एक कंडीशन लेके फॉलो करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं फीजिबिलिटी कंडीशन। EIGRP यूजेस फीजिबिलिटी कंडीशन फॉर फाइंड सेकेंड बेस्ट रूट। So what is the exactly feasibility condition? So feasibility condition is best best root FD value, दिख रहा है सबको? Best root FD value should be greater than सेकेंड बेस्ट रूट एडी वैल्यू। वेट, इन तीनों में बेस्ट रूट कौन सा है? तो उसका एफडी वैल्यू कितना है? 3500। सेकेंड बेस्ट रूट आपको कौन सा लग रहा है? ये वाला, उसका ये वाला रूट, इसका एडी वैल्यू कितना है? 3000 इज ग्रेटर देन 1500, राइट। ये तो सही है ना, क्योंकि 3000 से बड़ा होता है। तो ये रूट आपका बनेगा सेकेंड बेस्ट रूट। क्या बनेगा ये? सेकेंड बेस्ट रूट।
But wait, feasibility condition match कर रही है तो क्या बन रहा है best route? But अगर यहाँ 1500 की जगह अगर यहाँ पे होता 4 तो यहाँ पे क्या होता 4 right? और ये कितना हो जाता 7. ओके सो अब अगर आप मैच करते तो यहां पे क्या आता 4 5 क्या है ट्रू है तो ये कभी लाइफ में सेकंड बेस्ट रूट नहीं बनेगा क्लियर सो बेस्ट रूट एवरी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन सेकंड बेस्ट रूट एडी वैल्यू सो मैं आपको क्यों अभी आप किसी नेटवर्क में बिना सोचे समझे आपने डिजाइन कर दिया कॉन्फ़िगरेशन कर दिया सेकंड बेस्ट रूट नहीं बन रहा है तो आपने एआरपी नहीं पढ़ा है आपको उसकी कंडीशन नहीं पता है ओके हो सकता है ऐसा कुछ फॉलो हो रहा हो इसलिए सेकंड बेस्ट रूट नहीं बनेगा क्लियर है अब सॉरी हाँ नहीं बनेगा तो मैं उसी पर बात कर रहा हूँ सो अगर किसी राउटर के पास बेस्ट रूट है और सेकंड बेस्ट रूट नहीं है तो अगर बेस्ट रूट डाउन होता है तो वो राउटर क्या करेगा वो राउटर तुरंत क्वेरी पैकेट सेंड करना स्टार्ट करेगा अपने सारे कनेक्टेड राउटर्स को तो क्वेरी पैकेट से पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए EIGRP पैकेट्स EIGRP नेटवर्क्स में 5 तरह के पैकेट्स यूज करता है पहला पैकेट जो हमेशा यूज होगा जिसे हम क्या बोलते हैं हेलो दूसरा होता है क्या अपडेट ये हमेशा रहता है बट अगली पैकेट तभी जनरेट होती है जब उसके पास बेस्ट रूट था सेकंड बेस्ट रूट नहीं था और बेस्ट रूट क्या हो गया डाउन हो गया सो ही विल सेंड आउट क्वेरी मैसेज दैट इज ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स सो क्वेरी देन उनसे क्या आएगी रिप्लाई देन एक्नॉलेजमेंट Wait. So AIRP maintain 5 type of packet. First one is hello, update, query, reply. Now wait. अभी router क्या करेगा? ये router query packet send करेगा इधर. इधर query packet send करेगा. इधर query packet send करेगा. भाइयों, best route down हो गया. Second best route. I don't have second best route. So please provide me best route. Second best route नहीं मुझे best route provide करो क्योंकि मेरा best route down हो गया और second best route नहीं तो ये query packet इधर send कर रहा है इधर send कर रहा है super लेकिन अगर आपकी topology इस तरह से है for example अगर आपकी topology इस तरह से है कि यहाँ पे कुछ routers आपके नेटवर्क में आपके इंटरनल नेटवर्क में आपने टोपोलॉजी कुछ ऐसे बना कर रखी और मल्टीपल रिडंडेंसी भी बना कर रखी है तो सब आपस में कनेक्टेड है ऐसे तो अगर ये क्वेरी पैकेट इधर सेंड करता है सो इट्स अ गुड इधर सेंड करता है इट्स अ गुड बट अगर ये क्वेरी पैकेट इनको सेंड करता है जरा देखना इन सबको अगर यहाँ जाना हो तो किस पे डिपेंड है तो मैं अपने डैडी से बोलूं पापा मैं 15 साल का बच्चा मैं डैडी से बोलूं पापा मुझसे बोले 50 रुपये निकल आइसक्रीम खानी है एक्चुअली मैं डिपेंड किस पे हूँ डैड पे ही ना राइट सो क्वेरी पैकेट ये इनको सेंड करेगा इसको सेंड करेगा अपने डायरेक्ट जितने सारे डायरेक्टली कैंडिडेट सबको सेंड करेगा क्या होगा जब वो क्वेरी पैकेट यहाँ जाएगी तो वो इसको सेंड करेगा ये इसको सेंड करेगा ये इसको एंड दिस विल क्रिएट लूप इन योर नेटवर्क
क्वेरी पैकेट्स जा रहे हैं, राउटर्स पे ओवरहेड भी पड़ेगा। अगर इस तरह की टोपोलॉजी है तो, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही टोपोलॉजी में होती है, उसे कहते हैं हब एंड स्पोक। क्या बोलते हैं? हब एंड स्पोक, जहां R1 एक्ट कर रहा है एज अ हब और रिमेनिंग जो राउटर्स है वो एक्ट कर रहे हैं एज अ स्पोक्स। ये वही होगा, अगर ये नहीं होते ना तो मैं इसकी बात नहीं करता। सो ये राउटर्स पे लूप क्रिएट हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए आप इन सारे राउटर पे एक टेक्निक इनेबल करते हो जिसे बोलते हैं स्टब। क्या स्टब? अगेन मैं बता दूं आप, स्टब की कोई भी कॉन्फिगरेशन आपको एन ए में नहीं मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी? एन पी। बट ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ये एन ए का नहीं है, लेकिन जान लीजिए ठीक है ना। स्टब, इन राउटर्स को आप क्या बनाएंगे? स्टब। तो क्या होगा जब आप इन राउटर्स को स्टब बनाएंगे, तो ये जब अपडेट सेंड करेंगे ना, ये सब अपडेट जब सेंड कर रहे होंगे इस आर वन को सब, तो अपडेट के साथ साथ एक और हेडर अटैच करके भेजेंगे कि सर स्टब राउटर हूँ मैं। तो आर वन को क्लियर हो जाएगा कि पीछे जितने भी राउटर कनेक्टेड हैं वो सब सारे के सारे क्या है? स्टब है। तो वो उधर क्वेरी पैकेट सेंड नहीं करेगा। सो फॉर द मिनिमाइज द साइज ऑफ द क्वेरी पैकेट, यू कैन मेक दिस राउटर एज अ स्टब राउटर। ओके, वेट वेट, चलो चलो, इसने क्वेरी पैकेट इधर सेंड किया, इधर सेंड किया, चलो इधर ही सेंड किया, उधर अपने स्टब बना लिया, इधर सेंड किया, इधर सेंड किया। अब अगर इन राउटर्स ने, किसने? आर थ्री और आर फोर ने अगर 60, देखो जरा 360 यानी 180 सेकेंड तक अगर कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ये आर वन अपने आप को एस आई ए मोड में डाल देगा। एस आई ए जिसे बोलते हैं स्टक इन एक्टिव। क्या बोलते हैं? स्टक इन एक्टिव मोड में डाल देगा। अब अगर कोई राउटर स्टक इन एक्टिव मोड में चला जाए तो उससे प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, 180 सेकंड में चला जाएगा स्टक इन एक्टिव में। लेकिन अगर कोई राउटर स्टक इन एक्टिव मोड में चला जाए तो उससे होगा क्या? अगर वो स्टक इन एक्टिव मोड में चला जाता है तो वो अपने जितने भी कनेक्टेड इंटरफेसेस है सबसे नेबर रिलेशनशिप क्या करेगा? डिस्कार्ड कर देगा कि भाइयों तुम लोग मेरे लिए जिंदा नहीं। क्लियर है? नेबर रिलेशनशिप क्या करेगा? बंद कर देगा, क्योंकि आपसे रिप्लाई आई नहीं तो मेरे लिए आप क्या हो? डायरेक्टली नहीं बोलते, ठीक है, आप टपक गए। ओके, क्लियर है मेरी बात? ओके, सो दैट इज योर फीजिबिलिटी कंडीशन। तो आप पॉइंट ये आप कहाँ से कहाँ लिखेंगे, तो आप वीडियो से देख के लिखेगा, ठीक है ना? ओके, बाबू एक क्वेरी पैकेट के लिए, हेलो पैकेट नहीं भेजना, बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बेस्ट टू बंच, बेस्ट टू डाउन हुआ है ना। ओके, क्लियर है? बाहर मतलब नहीं नहीं, भाई साहब जिंदा होंगे, हेलो बोलेंगे, जिंदा हो जाएगा। आर टू जिंदा हुआ, आर थ्री जिंदा हुआ, हेलो बोल जाए उसको, आ गई। लेकिन ऐसा ही मोड में गया तो जब बैच टू अप आएगा तो जिंदा हो जाएगा। तो बैच टू कैसे अप आएगा? वो राउटर मान लो अप तो होगा ना।